بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن حياتي. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। सूरतुल बकरा आयत नंबर 200 से 203। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़दैतुम مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في دنيا حسنة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा आयत नंबर 200 से 203। फ़ाइज़ा क़दैतुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह। फिर जब पूरे कर चुको तुम तुम्हारे हज के अरकान तो ज़िक्र करो अल्लाह का जैसे तुम ज़िक्र करते हो तुम्हारे बाप दादा का। औ अशद्द ज़िक्रा या उससे भी ज़्यादा ज़िक्र करो। फ़मिनन्नासी मैं यकूलू। अब यहाँ पे दो लोगों का तस्करा किया जा रहा है कि इंसानों में से कोई ऐसा भी है जो कहता है ऐ हमारे रब आतिना फिद दुनिया दे दे हमें सब कुछ दुनिया ही में वमा लहू फिल आखिरत मिन खौलाक। अल्लाह ने फरमाया ठीक है दिया तुझे दुनिया में फिर नहीं होगा उसके लिए आखिरत में कोई भी हिस्सा। हाँ लेकिन वमिन हम मैं यकूल हूँ और उनमें से कोई ऐसा भी होता है जो ये दुआ करता है अल्लाह के घर जाकर रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना और फिर आखिरत हसना वक़ीना अज़ाबन्नार। ऐ हमारे रब दे दीजिए हमें दुनिया में भलाई और आखिरत में भी भलाई। दुनिया और आखिरत की भलाई के साथ साथ वो ये भी दुआ करता है वक़ीना अज़ाबन्नार और बचा लीजिए हमें जहन्नम के आग से। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं उलाई का लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू। इसी तरह के लोग हैं उनके लिए हिस्सा है उनमें से जो उन्होंने कमाया। अल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु सरीउल हिसाब और अल्लाह तेज़ है हिसाब चुकाने में। वज़्कुरु अल्लाह फ़ी अय्यामिन मअदूदात और ज़िक्र करो तुम अल्लाह का हज के चंद दिनों में। ये यौम तशरीक के बारे में बताया जा रहा है। फिर जो भी वो जल्दी चला जाए दो दिनों में पूरा करके तो कोई गुनाह नहीं है उस पर और जो वो रुक जाए एक और दिन तो नहीं गुनाह उस पर। उसके लिए है जो अल्लाह से डरता है अहकामात को फॉलो करने में जो अल्लाह से डरता है ये अहकामात उसके लिए हैं। वत्तकुल्लाह और डरते रहो अल्लाह से वालमू और खूब जान लो अन्नकुम कि तुम उसी की तरफ जमा किए जाओगे। अल्लाहु अकबर। तुम पूरा कर चुको तुम क्या
तुम्हारे अरकान, तुम्हारे हज के अरकान को पूरा कर चुको, तो क्या करो, फर्ज़ करो, वाह हाँ, अल्लाह का जिक्र करो। जैसे तुम जिक्र करते हो तुम्हारे बाप दादाओं का, जैसे जिक्र करते हो, आओ अशद ज़िक्रा, बल्कि उससे भी ज़्यादा जिक्र करो। अब ये देखिए, पहले इतना हिस्सा पूरा करते होता क्या था, ये मीना में रुक के क्या करते थे, पार्टीज़ करते थे, गेट टुगेदर करते थे, यानी जाते नहीं थे उधर हरम में वापस, वहाँ बैठ के और करते क्या थे, वहाँ बैठ के चिमगोइयाँ, बड़ाई मारने का, मैं हमारे बाप दादा जो वो जंग में शामिल थे, उनकी इतनी कोठियाँ हैं, उनके इतने प्रॉपर्टीज हैं, ये बड़ाई मारते थे। ये सोचो आप, आज के लोग भी करते करते, अल्लाह ताला बोल रहे नहीं, ये ऐसे मुशरिकों की तरह हरकतें मत करो। बहुत इम्पॉर्टेंट और कीमती औकात होते हैं हज के, जो भी औकात होते हैं, चंद दिन, अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन तुम्हें कुछ करने, उसकी अहमियत को समझो। कहने का मतलब ये कि बेकार बातों से एराज करो, जैसे इन्होंने हरकत की, तुम मत करो वहाँ पर, ये नहीं इतनी अहमियत नहीं समझते लोग। और यही सेम थिंग आप है ना रोजे में भी, रोजे की हालत में क्या करें, टाइम पास नहीं हो रहा है, फिर ले इसकी बात, उसकी बात, उसकी बात, तो इनका भी हाल यही होता था। मीना में बैठकर अपने बाप दादाओं की जो है वो खूब जो है महफिल जमाते थे और उसमें मेले ठेले लगाते थे, जैसे कि आज के टाइम पे, जैसे आप एक हो आज भी, जैसे ईद पर जो है वो इबादत ना करते हुए लोग मेले ठेले में निकल जाते हैं टाइम पास। बड़े बड़े बोलते नहीं, टाइम पास नहीं करना है तुमको, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का जिक्र करते रहो, अपनी जबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखो हमेशा। और देखो वहाँ पर आपकी तरबियत हो रही है ना, जो ये चंद दिनों में आपकी आदत बन जाएगी ना, उस आदत को पूरी लाइफ पे अप्लाई करो और कोशिश करो, जब भी आप जाओ ना तो वहाँ से आने के बाद उसकी रूह यही है कि आप वहाँ से, वहाँ पर जो आपने किया पूरी लाइफ टाइम उसको अपने ऊपर लागू कर लो। फिर उसके बाद देखिए आप यहाँ पर भी जो ऊपर सफ़र पैदल तय करना होता है, पैदल तय करना होता है, उसमें कितनी मुश्किल, और जिनको चल जो चलने के आदि ना हो तो बेचारे, अभी तो अलहमदिल्ला ट्रेन वगैरह अवेलेबल है, लेकिन एजेड जो चल नहीं पाते मासूम है उनके लिए, क्योंकि मैंने वही कहा कि वाकई जब बदन में ताकत हो ना अल्लाह ताला जब ले जाए, ताकि हर अरकान को आप इंजॉय कर सको, उसको फील कर सको। मांगिए कि अल्लाह जब तक मेरी सेहत है उससे पहले पहले तू अपना घर दिखा दे, खूब मांगिए अल्लाह से। और लोगों की क्या सोच है, अभी क्या सोचते हैं आज करने की, थोड़ा उम्र जाने दो, थोड़ा रिटायर हो जाएंगे ना उसके बाद, कि कुछ लोगों को सुना है मैंने ऐसे, तुम्हें क्या पता रिटायरमेंट से पहले तुम रिटायर हो गए, तो दुनिया से ही रिटायर हो गए, तो इंसान कितना कॉन्फिडेंटली बात करता है, मुझे तो हैरत होती है, अगले पल का उसको पता नहीं, नो गारंटी, और वो इतने आगे की बात करता है हाँ ना। एक मैं एक बात बोल रही थी स्टूडेंट्स को, इंसान सोचता है आई एम वेल प्लानर, और इतनी प्लानिंग करता है, कितनी आगे तक भी सोच लेता है, वो बच्चा अभी पैदा हुआ उसकी शादी तक पहुँच जाता है, उसकी पैदाइश पे, और नहीं प्लान करता है तो उसमें किस चीज़ को सेट करना भूल जाता है, वो अपनी मौत को। लिखता किधर प्लानिंग में कि अगर इन सब के बीच में मर गया तो, मुझे इस बात से बहुत हैरत होती है कि इंसान इतनी प्लानिंग करता है और उसे सिर्फ अपनी मौत के बारे में लिखने भूल जाता है। ये सोच है ना आपको प्लानिंग से रोक देगी, फिर आप कैसे हो जाओगे, सिर्फ अल्लाह के जो हो रहा है होने दो, मैं क्यों प्लान करूँ, मेरा बिलीव तो ये है कि मेरा रब अच्छा प्लानर है, वो जो मेरे लिए करता है बेहतर करता है, वो जो मेरे लिए करेगा वो भी बेहतर करेगा, ये आपका अकीदा ईमान अल्लाह पे होना चाहिए। होगा क्या, मायूसी नहीं होगी आपके अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्लान नहीं करूँ, हाँ सिर्फ नेके में कामों की प्लान करती हूँ, बाकी अपनी लाइफ के मैंने मतलब पहले से आते थे, कभी मैंने प्लान नहीं किया, अल्लाह का एहसान है, इसलिए जो मिलता है उसी में खुश रहती हूँ, हाँ ठीक है जो मिला ठीक है, ठीक ठीक तो है, ऐसी नीचे की प्लानिंग तो मैं करती हूँ, क्यों, क्योंकि उसको मुझे सेट कर रहा है करना है, तो ये अल्लाह का शुक्र है कि वो सोच की तरफ ले जाता है, एहसान है उसका। फिर ये बात आई समझ में, यहाँ पर भी अल्लाह अपनी बड़ाई बयान करने को कह रहा है। अब होता क्या है, हज पे जाने वाले भी अल्लाह ताला बोल रहे दो तरीके के इंसान होते हैं,
किस तरीके से? एक वो शख्स होता है जो हज पर जाता है दुनिया ही मांग कर आता है, भलाई नहीं मिस, आयत गवाह है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, आयत गवाह है इस चीज की कि अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि जो वहां जाकर सिर्फ दुनिया, अल्लाह दुनिया दे दे, दुनिया दे दे, थोड़ा सा बिजनेस यार छोड़ कर हज के अरकान करने को गया है और वहां पर भी जो ये नुकसान हो रहा है उसको ही बढ़ दे, उसी को मांग कर आ रहे हैं। बहुत आयत पे गौर करिए आप, हम कंपेयर करेंगे इन दोनों आयतों को। क्या कहता है अल्लाह ताला बोल रहे हैं, फिर वहां पहुंच गया, फिर लोगों में से जो वो कहता है ए हमारे रब दे दे हमें दुनिया में, बस दे दे, जो ते को देने का दे दे, इधर ही दे दे। वहां अल्लाह ताला ने क्या कहा, देखो कितने खूबसूरत बात है, अल्लाह ताला ने ये कहा कि मैं नहीं दूंगा दुनिया तुझे, बल्कि अल्लाह ने क्या जवाब दिया, वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, खत्म है, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, मतलब कौन था पहली शख्सियत, ये कौन थी कि उसने क्या मांगा, दुनिया मांगी, अल्लाह ताला बोल रहे ठीक है ले ले दुनिया, चल आखिरत गई तेरी, अल्लाह ताला ये नहीं बोल रहे नहीं दूंगा, देते हैं दुनिया का तरफ, तुमको दुनिया भी चाहिए ना, नियत पे डिपेंड है तुम क्या मांग रहे हो, क्यों मांग रहे हो, कब मांग रहे हो। आगे अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि ये देखिए सिर्फ दुनिया 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 मांगते रहता है, अरे तो ठीक है ले, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है तेरा, कितना घाटे में रहा ये इंसान, वहां जाकर के दुनिया मांग के आ गया, कितना घाटे में रहा। लेकिन एक बेहतरीन शख्सियत अल्लाह ताला उसके बारे में बता रहे हैं, और उन्हीं में से कुछ ऐसे भी होते हैं जो वो कहते हैं ए हमारे रब दे हमें दुनिया में भलाई और आखिरत में भी भलाई अता कर और बचा हमें आपके अज़ाब से। आप यस दुआ करिए कि अल्लाह ताला तू हमें इस किरदार का मालिक बना। अब इसको इंशाल्लाह समझने की कोशिश करते हैं, एक इंसान जिसने दुनिया मांगी अल्लाह ताला ने उसको अता कर दी, अल्लाह ताला के खजाने में कोई कमी नहीं है, अल्लाह ने उसको कि ए हमारे रब दे हमें दुनिया में, ये नहीं कहा कि सिर्फ दुनिया दे, दुनिया में भलाई दे, भलाई दे, ये है हसना से आप क्या समझते हैं, देखिए नहीं दुनिया की में जो अच्छाइयाँ है शुरूर नहीं मांगा, दुनिया में दोनों भी चीज़ें होंगी, अच्छाई भी है बुराई भी है, हमें दुनिया में अपने हिसाब से जो भला हो और अल्लाह उसके हिसाब से जो भला हो दे, हसना, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, हसना वो कि आपको वो जो दुनिया मिल रही है उससे अल्लाह राज़ी रहे, ठीक है, और ये देखो कि आप अल्लाह की तरफ से गफलत ना बरतें, यानी कि वो चीज़ आपको मिल तो रही है लेकिन वो आपके लिए हसना है या नहीं है, आप इस तरीके से अपने आप को जज कर सकते हैं कि वो चीज़ जो मुझे मिल रही है वो मुझे अल्लाह के करीब कर रही है या दूर कर रही है। पर ये देखिए हराम में हसना कभी नहीं हो सकता है, मैं पहले भी कहा था ना जो खाने पीने का हराम और हलाल का ताल्लुक जो था, तो ये देखिए कि अल्लाह ताला जो है ये हसना, एक स्कॉलर देते हैं कि हसना से मुराद इससे कुछ 8-10 पॉइंट से मुझे जो जो याद आएगा इंशाल्लाह बताऊँगी। अगर आप ये मांग रही हैं तो गोया कि आप ये मांग रही हैं जैसे बच्चों के ताल्लुक से, आप नाम नहीं ले रही कि मतलब मेरे बच्चों को तो दीन की तालीम दे, अच्छा दे या अच्छे से रख, फिर भी अल्लाह ताला उनको अच्छे से रखता है। एक अगर लड़का इस चीज़ को मांगता है तो गोया कि वो अच्छी वाइफ अच्छा लाइफ पार्टनर मांग रहा है, एक लड़की अगर इस चीज़ को मांगती है तो अल्लाह ताला उसको अच्छा लाइफ पार्टनर देते हैं, फिर उसके बाद लोगों में अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत डाल देते हैं, लोगों में अल्लाह ताला उसको मशहूर कर देते हैं, इस तरीके से हंसना अल्लाह अपने दिल में जो है वो उसके लिए मोहब्बत पैदा करता है, लोगों के दिल में मोहब्बत पैदा करता है। यानी ये सोचिए दुनिया का हंसना आपकी नज़र में जो कुछ भी है वो सब, लेकिन शर्त ये है कि अल्लाह की रज़ा के साथ हो। अगर वो चीज़ आपको अल्लाह की रज़ा के साथ नहीं मिल रही है तो गोया कि आपके लिए वो हंसना नहीं है।
और देखिए जब हसना के साथ वो दुनिया आपको नहीं मिल रही ना, तो वो आप खुश नहीं रहेंगे उससे कभी भी नहीं। और अल्लाह आपसे अगर नाराज़ होके वो चीज़ आपको दे रहा है तो वो आपके लिए हसना नहीं है। तो जब भी मांगे ना तो अल्लाह ताला, देखो अल्लाह ताला दुनिया मांगने को मना नहीं कर रहे। आप ये मत बोलो सिर्फ कि अल्लाह दुनिया दे, लेकिन वो दुनिया दे जिससे तू राज़ी रहे, ये ज़रूर बोला करो। सिर्फ मैं एक पर्सनली बहुत दुआ मैं जो अपने और अपने शोहर बच्चों के लिए करती, अल्लाह तुम मुझसे भी राज़ी हो जाओ, मेरे शोहर से भी, मेरे बच्चों से भी, ऐसे काम ले हमसे, क्योंकि उसको राज़ी करना है, खुश करना है, तो ऐसे थोड़ी फोकट में हो जाएंगे। अल्लाह ताला कुछ तो करना पड़ेगा ना, मुझे अल्टीमेट में नज़र सिर्फ मैं रखूँ कि अल्लाह राज़ी हो जाए, करने को कुछ ना करूँ तो फिर मुझे उसकी रज़ात मिलेगी? नहीं मिलेगी। और एक उसका ज़ाहिरी सूरत यह है कि आप हर चीज़ पे बहुत मुतमईन रहेंगे। कैसे? कुछ भी आपके साथ हो रहा है, आप तो मांग रही है ना कि अल्लाह ताला तू मुझे जो है वो हसना दे दुनिया का। अगर आप अपने हालात से खुश हैं, दिल मुतमईन है, कोई शिकवा शिकायत आपकी ज़बान पर और दिल में नहीं है कि अल्लाह क्या मई मिली तुझे को इतने परेशानी में रखने को, और कोई मिला नहीं तुझे, मेरे साथ ये करना था तुझे, ऐसी कोई शिकवा शिकायत आपकी ज़बान पर नहीं आनी चाहिए। मतलब आप मांग रही है ना तो वो किसी भी तरीके से अल्लाह ताला आपको देंगे। आप अपने आप को जज करिए से, क्या मेरी ज़बान पे शिकवा शिकायत आ रही है? नहीं आ रही है तो मतलब आपको हसना मिल रहा है, दुनिया का हसना मिल रहा है। और देखिए आप नियामत को आप क्या समझते हैं? नियामतों में नियामत आपको क्या लगती है? किस चीज़ को आप नियामत समझते हैं? मेरा सवाल समझ नहीं आ रहा है कि आपको मुझे तो एक ही वर्ड चाहिए। नियामतों में नियामत क्या है आप सबको पता है, निकालिए मुँह से बोलिए। हाँ, ईमान वाले सबसे बड़ी नियामत है। आपकी बात आपको इंशाल्लाह उसी बात पे बात करेंगे। नेक औलाद किसी ने कहा कि वो नियामत है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपके पास माल है, औलाद है, एजुकेशन है, एवरीथिंग ये है, अगर वो हिदायत के साथ नहीं है ना तो वो आपके लिए नियामत नहीं। आपके पास माल है, अगर आप उस आपके पास हिदायत नहीं है ना तो वो माल आप गलत चीज़ों में सर्व करोगे। यस, गलत चीज़ों में आप उसको लगाओगे। आप गलत आप अगर आपके पास औलाद है और अगर वो आप उस बच्चे को अपनी औलाद को हिदायत के साथ ट्रीट नहीं कर रहे हो, उनकी तरबियत हिदायत पर नहीं कर रहे हो, तो वो बच्चे आपके लिए फितना बन जाएंगे। वो आपकी नियामत थोड़ी है, नियामत नहीं। यस, हिदायत सबसे बड़ी नियामत है। आपके पास दुनिया की तमाम दौलत है लेकिन वो दौलत आप हिदायत के साथ नहीं यूज़ कर रहे हो तो वो आपके लिए नियामत नहीं होगी। एजुकेशन है आपके पास, अगर हिदायत के साथ आप उसको नहीं लोगे तो फिर वो आपके लिए वबाल का काम करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ आपको दुनिया सिखा रही है, आखिरत की फिक्र नहीं दे रही है। कोई भी चीज़ आपके पास है, कोई भी चीज़, माल, औलाद, एजुकेशन, सेहत, नियामत, तो देखिए सिर्फ नियामत या फिर रिस्क पर भी ताल्लुक़ है इससे, यही नहीं है कि पैसे, आपकी सेहत, आपका टैलेंट, आपका माल, आपकी औलाद, आपका एजुकेशन, वो सारी चीज़ें रिस्क में जाती है, समझो। तो इन चीज़ों को अगर आपने अल्लाह की रज़ा के साथ लिया है तो आपके लिए नियामत है, इन शॉर्ट। तो कोशिश करिए कि जो कुछ अल्लाह ने मुझे आपको अता किया है उसको मैं अल्लाह की रज़ा के साथ लूँ। तो कोशिश करिए आपकी, अल्लाह दुनिया मुझे तू दे लेकिन वो दुनिया तेरी रज़ा के साथ मिले, ऐसी दुनिया दे जिससे तू राज़ी हो जाए। माल दे मगर उसको हाथ पे रख, दिल में मत उतार, दुनिया मांगने को मना थोड़ी कर रहे हैं। दे माल लेकिन उसको हमेशा हाथ पे रखो, उसको दिल में मत उतारो, क्योंकि दिल ऐसे जब दुनियावी चीज़ों से भर जाएगा तो अल्लाह खाली दिल में आते, भरे भी दिल में नहीं आते। हम पहले से ही क्या 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 भर के रखे दिल में तो फिर अल्लाह ताला कहाँ से आएंगे। आगे अल्लाह बोल रहे हैं फिर उसकी खूबसूरती देखो, वह फिर आखिरती हसना, आखिरत का भी हसना वो मांगता है। आखिरत का हसना क्या है बताइए? दुनिया का हसना समझा आपको?
तो कोशिश करिए कि जब उसको मांगे ना तो ऐसे सोच कर मांगे कि अल्लाह जो कुछ भी तूने मुझे दिया है, और रोइए गिड़गिड़ाइए उसके आगे और उसी को सुनाइए, अपनी खुशी भी उसको सुनाइए, अपना दुख का दुखड़ा भी उसको सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़्यादातर किसी से बातें शेयर नहीं करती क्योंकि मुझे अल्लाह से बात करने आ गई है। मैं लोगों से बहुत कम बात करने लगी हूँ, बहुत, और ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी नियामत है। होता क्या, जब हम अल्लाह से बात करते हैं ना तो लोगों से बात करने का दिल नहीं करता है। फिर ऐसा एक तो एक ये खौफ नहीं रहता कि अल्लाह ताला किसी को जाकर बता देंगे, वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहता है हमारे लिए। अल्लाह से बात करने सीखिए आप, यकीन करिए आपके मुंह पर ऐसा ताला लग जाएगा ना कि आप लोगों से बोलना बंद कर देंगे। इस चीज़ को प्रैक्टिकली मैंने करके देखा है बहुत। अल्लाह से बात करना शुरू करिए, उसको बेस्ट फ्रेंड बनाइए अपना। ना एवरी वन नो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरा अल्लाह है। जब मैं कहूँगी ना किसी से क्या कर रहे हो, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करने जा रही, तो समझ आएगा अच्छा अच्छा नमाज़ पढ़ने जा रहे या कुछ अपनी कलाम करने जा रहे अल्लाह से। यानी इतना लोगों को मेरे बारे में पहचान हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने बहुत करीब से फील किया है अल्लाह को। मैंने कहा ना कि आप उससे बात करके देखिए आखिरत का हसना आपको क्या लगता है, क्या है आखिरत का हसना। तो इसीलिए मुझे अपना ज़्यादातर दोस्तों की और ऐसे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, छोड़ दी दोस्ती में से ज़्यादा कौन करता है। मैं तो बदनाम थी इस चीज़ में कि दोस्ती बहुत करती है बदनाम भी थी देखा जाए तो। अब मेरे फ्रेंड लिस्ट में एक भी फ्रेंड नहीं है सिवाय अल्लाह के, कोई नहीं फ्रेंड। हाँ जो मुझसे करता है दोस्ती तो कर लेते हैं, लेकिन मैं अब सामने से किसी से दोस्ती नहीं करती। और बाकी पढ़ते थे सिर्फ ये चीज़ें, अल्लाह से दोस्ती कर लोगे तो कोई दोस्ती की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी की। इस चीज़ को अपनी लाइफ में मैंने होते हुए देखा है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उसका। बताइए आखिरत का हसना क्या है, जन्नत और हाँ तीन चीज़ें आखिरत का हसना, तीन चीज़ें जो अल्लाह ताला खुद तस्करा कर रहे हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। एक ये कि अल्लाह ताला इस चीज़ को जाहिर करते हैं कि दुनिया में यानी लोगों की ज़बान पे आपका नाम अल्लाह ताला रख देंगे, एक ये हसना अल्लाह ताला बता रहे हैं आखिरत में। दूसरा ये कि अल्लाह ताला आपको जन्नत अदन देंगे, जन्नतुल अदन, कौन सी जन्नत पता है आपको, हमेशा की जन्नत, अदन यानी हमेशा की जन्नत है ना। अब आप बोलोगे सारी जन्नत क्या हमेशा की नहीं है क्या, सवाल किया करो। ये है कि देखो सारी जन्नत हमेशा की है, लेकिन जन्नतुल अदन जो है स्पेशल अल्लाह ने अपने हाथ से बनाई है। सोचिए वो जन्नत भी क्या जन्नत होगी जिसको अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बनाई है। तीन चीज़ें अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बनाई है पता है आपको, एक तो बहुत कॉमन है बता दीजिए चलिए। यस आदम अलैहिस्सलाम, नो 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 मिस आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया जन्नतुल अदन, आदम अलैहिस्सलाम, तौरात, ये अल्लाह तौरात मूसा अलैहिस्सलाम को जो किताब मिली थी अल्लाह ताला ने अपने हाथ से उसको लिख कर दी। तब आप सोचिए ज़रा कितनी इम्पॉर्टेंट किताब, फिर भी उस कौम के लोगों ने उसकी अहमियत नहीं की। ये तीन चीज़ें अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बनाई, अल्लाह ताला बोले जन्नतुल अदन दूंगा, ये है आखिरत का हसना। और सबसे बेहतरीन हसना जो है वो तो बोलते हुए भी खुशी होती है, एट लास्ट जब सब कुछ फुल एंड फाइनल हो जाएगा, एट लास्ट अल्लाह ताला अपना दीदार कर लाएगा। वो आयतें पढ़ के तो अंदर से इतनी इतनी खुशी होती है ना, अल्लाह कब वो मौका आएगा। लेकिन किसको खुशी होगी, अल्हम्दुलिल्लाह आप में से जिसको अभी खुशी हो रही ना, दैट मीन्स आप अल्लाह को मोहब्बत करते हो, आप अल्लाह को मोहब्बत करती है। आयतें वही फील कर सकते हैं जिनको अल्लाह से मोहब्बत होगी। क्यों, देखो जिससे मोहब्बत होती है ना उसका दीदार करने का बड़ा दिल करता है, सोचते ना इससे मुझे मोहब्बत है, कब मैं उसके चेहरे का दीदार करूँगी। दुनिया का मामला है ना, अगर दुनियावी एतबार से मैं बात करूँ तो जिससे मोहब्बत होती है उसको देखने का दिल करता है, उसका दीदार करने का दिल करता है। तो जिसको अल्लाह से मोहब्बत है ना तो उसको अल्लाह के दीदार का बहुत इंतज़ार रहता है। और अल्लाह से मुलाकात आपको उसका लगाव है, उसकी मोहब्बत है, उसकी चाहत है, इसको डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकली हम कैसे जाहिर करते हैं, नमाज के ज़रिए। नमाज भी तो उससे मुलाकात ही है ना, उस चीज़ से। आप अपनी नमाज का जायज़ा ले लीजिए कि मुझे उससे मिलने का कितना शौक है। अपनी नमाज़ें दुरुस्त कर लीजिए, बहुत ज़्यादा दुरुस्त कर लीजिए, उसके अरकान दुरुस्त करिए, उसके अज़कार दुरुस्त करिए। इसमें सोच रही थी अपने पास अभी वक्त है ना, अभी मीन्स ये इन दिनों में, तो नमाज के अज़कार इन दिनों में ही रखते ताकि लिंक ना टूटे हमारे।
थोड़ा टाइम चाहिए ना उसके लिए, तो नमाज़ के असकार किसी दिन इंशाल्लाह रखेंगे, ताकि नमाज भी जो हम पढ़ें ना तो उसको समझ कर पढ़ें क्या हम पढ़ रहे हैं, और ज़्यादा मोहब्बत आएगी अल्लाह की इंशाल्लाह। समझ जाओ। अच्छा, दो चीज़ें इस किरदार ने मांग ली, एक तो दुनिया का हसना और आखिरत का हसना। अच्छा, सिर्फ यही चीज़ नहीं कि वो दुनिया और आखिरत का हसना मांग रहा है, उसके साथ साथ और बचा हमें आग के अजाब से। देखो कितनी अच्छी बात है, सिर्फ यानी दुनिया सिर्फ हासिल ही नहीं कर रहा है, बल्कि उसके साथ साथ वो उस जहन्नम से भी बचने की अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है। कितनी खूबसूरत बात है, इधर जन्नत मांगी उसने। मोमिन का ये किरदार होता है कि वो जन्नत नहीं मांगता है, उसको पता है कि अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है मैं वो अमल करूँगा तो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला मुझे अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल कर देंगे, लेकिन क्या है असल में जहन्नम से बचने की दुआ हमको करते रहना चाहिए। इससे बचने की जब दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला इससे बचने के काम भी हमसे करवाएगा। तुम्हें जहन्नम से बचना है तो तुम ऐसे ऐसे काम करो कि तुम्हें जहन्नम की आग से बचा लिया जाए। तो अब जब भी, और दुआओं में सबसे बेहतरीन दुआ यही है, और आपको पता है कि नमाज में खास के बाद का जो वक्त होता है वो दुआ के कबूलियत का होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जाए नमाज बैठ के और तस्बीह लेकर इसका वजीफ़ा करें, नहीं, चलते फिरते मांगिए और सही तरीके से मांगिए। पढ़ लीजिए एक बार, रब्बना आतीना आतीना, ताको खींचना नहीं बिल्कुल आपको, फिद दुनिया हसना हसना वफिल आखिरती हसना वकीना वकीना अज़ाबन्नार अज़ाबन्नार। और आप देखिए कि अल्लाह के कलाम की खूबसूरती, बचाने के लिए सिर्फ एक हर्फ आया है, बचा बचा हमें, यानी अरबी में एक सिंगल लेटर भी मीनिंगलेस नहीं है। सिंगल लेटर है, काफ के नीचे ज़ेर, इट्स ऑर्डर की, और इसका असल में रूट लेटर है वाव काफ या। अभी बेचारा वीक वॉवेल किधर पे एडजस्ट हो जाता है, गया दोनों, लुढ़क गए दोनों, बचा क्या की, की कीना मत बोलना, कीना क्या हो जाएगा, बुगस कीना। क्या मांग रहे हो आप अल्लाह से? अल्लाह अकबर। फास भी ध्यान रखिए कि अगर इसका हसना मुझे नहीं मिला, मतलब मेरे मांगने में कुछ ना कुछ जो है कोताही हो रही है। क्यों अल्लाह के कलाम का असर मेरे दिल पर नहीं आ रहा है? क्योंकि मैं तलफ़ुज़ ही सही नहीं। आप अल्लाह ताला से बोल रहे पीना बोलो, पीना, आप बोल रहे कीना, वो कीना क्या हो गया, बुगस कीना, जो दिल में जलन कुड़न होती है वो। अल्लाह अकबर। सो दो, अब देखिए अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि ये जो दो किरदार मैंने तुम्हारे सामने पेश किया है, उलाई का लहुम नसब, देखो नसीबुम, यही वो लोग हैं उनके लिए हिस्सा है उसमें से जो उन्होंने कमाया। वल्लाहु सरीउल हिसाब, अल्लाह जल्द हिसाब चुकाने वाला है। ये अल्लाह की सिफत देखिए, अल्लाह किसी का बाकी नहीं रखता है, ये यकीन आपको होना चाहिए। आपने जो हसना भलाई यहाँ की है आपका वेस्ट नहीं जाने वाला है। आपने अगर दिल से दुआ मांगी है और जो कुछ भी आपने कमाया है, देखिए कसब आमाल की कमाई के लिए जाता है, नसीब यही वर्ड है जो उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं, अरबी वर्ड है, क्या मीनिंग है इसका, हिस्सा। अब आपको समझ आएगा क्यों नसीब कहते हैं इसको, जिसके हिस्से का जो है वो कहीं नहीं जाने वाला है, कहीं पर भी होगा वो उसको मिलकर ही रहेगा, अल्लाह ताला उसको देकर ही रहेंगे। अल्लाह ताला बोल रहे हैं क्यों, क्योंकि मैं बहुत जल्द हिसाब चुकाता हूँ, मैं किसी का बाकी नहीं रखता, यकीन की बात है यकीन तो कर लो दुनिया में जो अच्छे काम करने, आखिरत में रिटर्न चाहिए। तो फिर आप ये देखिए कि इंसान, आप अपने बारे में सोचिए, आप किसी का 100 रुपये लेती है तो बाकी रखती है अपने तक, तो अल्लाह पे इतना भरोसा क्यों नहीं है कि नाउज़ बिल्ला अल्लाह हमारा रख लेगा देगा, नहीं, अल्लाह ताला बोल रहे मैं बहुत जल्दी जल्दी हिसाब चुका दूंगा, किसी का बाकी नहीं रखूंगा, यकीन है तो इस बात पे अमल कर लो। अब देखिए अंदाज़ देखिए कलाम का,
थोड़े से हज के अरकान हुए, फिर बीच में दुआ, फिर उसके बाद फिर हज के अरकान आ गए। क्या समझाना चाह रहे हैं अल्लाह ताला, क्या समझाना चाह रहे हैं? स्टेबल हो के मत रह जाओ जी मिस, दुआएं मांगो, दुआओं को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ। और फिर हज के अरकान जो है, देखिए एक जगह आपको अल्लाह ताला ने दुनिया में एक जगह स्टेबल रखने के लिए नहीं भेजा है। मूवमेंट करते रहो, हरकत में बरकत है। देख जुमरा अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, हरकत में बरकत है। जो इंसान जम के रह जाता है ना, कुछ नहीं कर पाता है। आप ये देखिए कि ये दलील कुरान से खुद हमको मिलती है। सूरह यासीन में आए थे तो मैंने समझाया था, अल्लाह ताला अपनी कुदरत का पूरा तस्करा करके आए तो मैं बता रहे ये कैसे अपने मदार में सारी दुनिया की मेरी मखलूक है, एक इंसान है जो अपने आप को जम कर रखना चाहता है, कुछ करना नहीं चाहता है। नहीं, अल्लाह ताला बोल रहे बॉडी को हरकत दो, कुछ करो, तुम्हारे अंदर जज्बा होना चाहिए। अगर अपने आप बच्चों में भी आप कोई जज्बा नहीं देख रहे हो दीन के लिए, आपको फिक्र लग जानी चाहिए कि क्या है। जो है अल्लामा इकबाल जो है वो अपने बेटे को बददुआ देते थे कि अल्लाह करे तुझ पर ऐसा वक्त आए, कुछ तेरे साथ ऐसा मामला हो जाए कि तू हरकत में आ जाए, मैं तेरे अंदर कोई जज्बा नहीं देखता हूँ। यानी उनके अंदर बहुत जज्बा था ना दीन को लेकर। अल्लाह माँ इनको ऐसी थोड़ी लकब मिल गया, आशना करे। ये नहीं देखिए कि उनको एक वो हरकत, यानी अपने बिल्कुल भी जो है वो उस चीज़ को फील नहीं करते थे एक नौजवान में जो जज्बा होना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों के अंदर नहीं देखते तो फिक्र करिए, आप दुआ करिए अल्लाह ताला से, और उनको अहमियत सिखाइए कि अपने आप को मूवमेंट में रखो एवरी टाइम। मुझे इतनी शेर व शायरी नहीं आती लेकिन उसका मफहूम मेरे को समझ में आता है। आप लोग तो माशाल्लाह फिर वेरी एक्सपर्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे भी कुछ आपसे सीखने मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, फिर अल्लाह ताला जो है वो जिक्र कर रहे हैं किसका, हज के अरकान का। वस्कुरु अल्लाह, और जिक्र करो अल्लाह का कभी। ये क्या है, ये क्या है? यौमे तशरीक जिसको कहा जाता है, यौमे तशरीक 11, 12 और 13, 14 के भी कुछ हिस्से उसके अंदर आते हैं। कहाँ अदा करना है? ये मीना में, वहाँ पर रहकर आपको अल्लाह का बहुत ज़्यादा जिक्र अस्कार करना है। लेकिन ये 3 दिन है, 11, 12 यौम तशरीक जिसको कहा जाता है, अल्लाह ताला बोल रहे हैं फिर जो भी शख्स वो जल्दी कर ले 2 दिनों में। अगर कोई 2 दिन वहाँ रहकर वापस आना चाहता है, इट्स ओके, फिर नहीं गुनाह। अगर आपको कोई डर है, ओह 2 दिन में आ गए, अब तो तुम्हारा हज ही नहीं होगा। डराते हैं ना लोग, कौन लोग डराते हैं? जिनको आयत की नॉलेज नहीं होती। कितनी ज़रूरत है हमको कि इतना मेरी ज़िंदगी का, मेरी लाइफ का इतना अहम जो है वो दीन का रुकन मैं पूरा करने जा रही हूँ और नॉलेज कुछ लेकर नहीं जा रही। तो कोशिश करिए जो भी जाए पूरी गाइडलाइंस लेकर जाए, ताकि वहाँ से आने के बाद उस रूह को वो महसूस करे कि मैं किस लिए गई थी, नॉट फॉर ओनली टाइटल लेकिन उसकी रूह लेने के लिए मैं गई थी, ठीक है। और जो भी ताखीर करे, यानी अगर वो हाँ ज़्यादा भी करे तो फिर नहीं गुना उस पर। हाँ लेकिन अल्लाह ताला बोल रहे हैं इस पर अमल कौन करता है, ये बात किसके लिए? असल चीज़ बता दी गई, हज की रूह क्या है, रोज़े की रूह क्या बताई गई, असल चीज़ है तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर। मैंने आपसे फर्स्ट जो हमारा सूरह बकरा शुरू हुआ था, मैंने कहा था तकवा वाला इंसान, मुत्तकी इंसान वो नहीं है जो आज आपके मेरी जो पिक्चर बनी हुई, जो मेरी नज़र में, आपकी नज़र में, समाज की नज़र में मुत्तकी की टोपी लगाए हुए कुत्ता पजामा पहना गाड़ी, नो, उसको मुत्तकी हम नहीं बोल सकते, उसको हम मुत्तकी का टाइटल नहीं दे सकते हैं। हाँ अगर जो अल्लाह ने उसकी डेफिनेशन दी है उसके साथ अगर उसका आउटलुक ये है, सोने पे सुहागा उसके लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए कि वो 5 वक्त का नमाजी तो है लेकिन मामलात दुनिया वालों के, ऐसे लोगों को हम मुत्तकी नहीं बोल सकते। अगर उसके मामलात लोगों के साथ अच्छे नहीं है तो वो मुत्तकी इंसान वो होता है जिसके अंदर हर वक्त अल्लाह का डर हो। तकवा डर में भी जाता है और अल्लाह का डर, लोगों का डर नहीं। ऐसा नहीं कि लोगों के डर से अल्लाह का रास्ता छोड़ दे, वो मुत्तकी नहीं हो सकता, बल्कि वो अल्लाह के डर से लोगों का कहना छोड़ दे जो उसको गलत रास्ते की तरफ ले जाए।
और ये खूब और डरते रहो अल्लाह से। अब देखिए आप वहाँ पर आप गए, आपने किसी को ये नहीं देखा होगा, जो लोग गए देखे कि कोई ये सोचे कि भाई तवाफ़ इधर बहुत भीड़ हो रही, चलो मैं अलग अपना कुछ तवाफ़ बना लूँ और उधर जाके तवाफ़ कर लूँ खुले खुले में, बिल्कुल नहीं। नहीं, हुक्म है तुमको अरफात से जो है वो मुदलफा की तरफ जाना, तो आप किसी को ही नहीं देखेंगे कि मुदलफा से कोई अरफात की तरफ आ रहा है। नो, यस, ये मुझे आपको क्या लेसन दे रहा है, अल्लाह की तरफ से मुझे आपको क्या मैसेज मिल रहा है? यस, क्या? यस, ऑर्डर इज ऑर्डर। वो तीन दिन या हज के जो अय्याम है उसमें तुम मेरा कहना मान रहे हो ना, अपनी मर्जी चला रहे हो उधर, फिर वहाँ से आने के बाद तुम्हें क्या हो जाता है? क्यों फिर तुम जो है मेरे खिलाफ, मेरे हुक्म के खिलाफ काम करने लगते हो? अल्लाह ताला तरबियत कर रहे हैं कि जैसे तुम मेरा वहाँ कहना मान रहे थे ना, तो उसके बाद की लाइफ भी पूरी मेरे कहने पर गुजार दो। ये मुझे और आपको वहाँ से तरबियत लेकर आनी है इंशाल्लाह। इस बार हज पे कौन कौन जा रहा है? मैंने कहा मिस कौन जा रहा है, जा रहा है इन द सेंस, यस अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी जात से पूरी उम्मीद है मुझे नहीं जा सकते। यकीन करिए कि जब आयतें चलती है ना तो अंदर से दिल बहुत रोता है मेरा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, इंशाल्लाह। तो बहुत ज्यादा जो है, यानी पढ़ाते पढ़ाते नहीं, कुरान इज रिमाइंडर ना, कभी जब अब साल भर में आयतें नहीं आएंगी ना तो थोड़ा मैं भी शांत बैठ जाऊँगी, और जब फिर आयतें आएंगी, नया दौर शुरू हुआ है, फिर आयतें आएंगी तो फिर मेरा दिल मचलने लगेगा कि नहीं फिर अभी, यानी बहुत ज़्यादा जो उस वक्त बहुत ज़्यादा शौक रहता है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आती है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला बोल रहे हैं क्यों डर, व्हाट्स द रीज़न? इसलिए कि वअलमू अन्नकुम इलैहि तुशरून, इसलिए डरो अल्लाह से कि तुमको उसी की तरफ लौट कर जाना। और यकीन करिए जब आपके अंदर तकवा, उसका डर आ ही नहीं सकता है जब तक कि आप इसको फील नहीं करो कि मुझे उसी की तरफ जाना है। बहुत सीधी सी बात है, जब मुझे उसी की तरफ जाना है तो क्यों ना मैं दुनिया में उसका ही कहना मानूं, ताकि वो मैं खुशी खुशी उसके पास जाऊं, उसको नाराज़ करके ज़िंदगी गुजारूं तो जाने को भी मेरे को शर्म आएगी कि बोलते नहीं जुमला, किस मुँह से जाऊं अल्लाह के पास, अल्लाह को क्या वो दिखाऊं। मेरा कॉमन सा जुमला लोग ऐसे बोलते हैं, कौन लोग ऐसा बोलते हैं, बोल तो देते लेकिन असल में उसको महसूस नहीं करते या उनके उसके पैक को नहीं जानते वो क्यों बोल रहे हैं ऐसा, वो ऐसा काम हो जाता है, पता है ना तुमको इस मुँह से, तो अल्लाह ताला वो चेहरा दे, वो मुँह दे, वो अमाल दे कि मैं तेरे सामने। अब्बा मैं तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ, फिर मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले ना कर और मेरे सब हालात संवार दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। अब्बा मैं तुझसे नफे बख्श इल्म, पाकीज़ा रिज़्क और कबूल होने वाले अमल का सवाल करती हूँ। ऐ अब्बा मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो और मेरे इल्म में इजाफा फरमा दे, आमीन। ऐ अब्बा मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरे घर में वुसअत फरमा और मेरे रिज्क में बरकत अता फरमा। ऐ अब्बा मुझ पर मेरे बुढ़ापे के करीब और मेरे उम्र के खात्मे तक अपना रिज्क उशादा कर रखना। ऐ अब्बा मेरी किफ़ायत को अपने हलाल के साथ अपने हराम से बचा और मुझे अपने फजल से अपने सिवा हर किसी से बेनियाज कर दे, आमीन या रब्बी। ऐ अब्बा जो रिज्क तूने मुझे अता किया है उसमें मुझे इनायत और बरकत अता फरमा और मुझे हर गायब होने वाली चीज़ का बदला भलाई के साथ अता फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। ऐ अल्लाह कोई काम आसान नहीं मगर जिसे तू आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। ऐ अल्लाह इन दुआओं के साथ मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि तेरी किताब को समझना हम पर आसान कर दे, तेरी किताब को समझकर उस पर अमल करना हमारे लिए आसान कर दे, इंशाअल्लाह आमीन या रब्बल आलमीन। सुभानल्लाहि व बिहमदिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار।
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته।